सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर और संपन्न देशों में से एक है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्दों का राज चलता है, मींस मर्दों को ही ज़्यादा रुतबा दिया गया है। तो आज हम इसी कड़ी में देखने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर औरतों को करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको सुनकर शायद हैरानी हो सकती है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया का मात्र एक ऐसा देश था जहां पर औरतों को कार ड्राइविंग पर पाबंदी थी। हाल ही में सऊदी गवर्नमेंट ने वहां की औरतों को कार चलाने के लिए परमिशन दे दी है। वैसे तो सऊदी अरब में लेडीज़ को खेलकूद के लिए ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज जब सऊदी में खेलकूद के लिए लेडीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उनका कॉस्ट्यूम भी अलग ही टाइप से डिज़ाइन किया गया है। इवन नाइकी जैसे बड़े ब्रांड ने भी अलग ही टाइप का कॉस्ट्यूम अरेबिक वुमेंस के लिए लॉन्च किया है। आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन सऊदी अरेबिया में लेडीज़ का कब्रिस्तान में जाना मना है, मींस चाहे कोई भी लेडी हो वो कब्रिस्तान में एंटर नहीं कर सकती। सऊदी अरेबिया में किसी भी लड़की को ये अधिकार नहीं होता कि वो लव मैरिज करे या फिर अपनी मनमर्जी के लड़के से शादी करे। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों को होता है। सऊदी अरेबिया में किसी भी लड़की को ये अधिकार नहीं होता कि वो अनसेंसर्ड मैगजीन देखे। जैसा कि आप इस मैगजीन में देख सकते हैं कि किम कार्दाशियां भी आपको पूरे कपड़ों में नजर आ रही हैं। सऊदी अरेबिया में औरतों को बिना किसी मर्द के बाहर जाना अलाउड नहीं है। सऊदी अरेबिया में औरतों को फुल कवर्ड होके घूमना जरूरी है। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको लेडीज इसी टाइप फुल कवर्ड हिजाब या बुरके में नजर आएंगी। सऊदी अरेबिया में लेडीज किसी बीच या फिर पब्लिक प्लेस वाली स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती। सऊदी अरेबिया में बारबी डॉल भी बैन है, या फिर बारबी डॉल जैसे जो टॉयज हैं जिसमें बॉडी का प्रदर्शन होता है वो सब बैन है। जहां एक और पूरी दुनिया में एक लेडीज दूसरी लेडीज से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है, वहीं सऊदी अरब में ज्यादा हैवी मेकअप या ज़्यादा टाइट या फिर अट्रैक्टिव कपड़े पहनना औरतों को बैन है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उन पर दूसरे मर्दों की नज़र पड़ेगी। अगर कोई लेडी कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाती है तो वो सबसे ज़्यादा टाइम कपड़ों को ट्रायल करने में लगा देती है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया में लेडीज़ को कपड़े ट्रायल करना अलाउड नहीं है, उन्हें ऐसे ही कपड़े लेना होते हैं और घर जाके ट्राई करना होते हैं। सऊदी अरेबिया में कोई भी लेडीज़ किसी अनजान आदमी से बात नहीं कर सकती, चाहे फिर वो बैंक हो, कोई बीच, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इसलिए आपको पूरे सऊदी अरेबिया में एक सेग्रीगेशन नज़र आ जाएगा, मींस औरतों के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग। तो ये थे सारे फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स।